साथियों, गर्मी का मौसम जारी है और इस मौसम में सूरज आग उगल रहा है। लू के थपेड़ों से बचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर कोई घर से बाहर निकलता है। ऐसे में आपको गर्मी से बचने के लिए कुछ अलग करना होगा और उसके लिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ खास जो कि आपको इस भीषण गर्मी से बचाएगा। जी हाँ साथियों, क्या आपने कभी तोरानी का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि तोरानी आपको भीषण गर्मी से भी बचा सकता है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि तोरानी क्या है, ये कैसे बनता है और ये गर्मी से कैसे आपको बचाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवाना और आज मैं आपको गर्मी से बचाव करने वाली तोरानी के बारे में बताने वाली हूँ। साथियों, अगर आप गर्मियों में बिना किसी नुकसान के शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रिंक चावल का पानी हो सकता है। इसी को देसी भाषा में तोरानी कहा जाता है जो ओडिशा में बहुत फेमस है। हीट वेव से बचने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA ने अपनी गाइडलाइंस में चावल का पानी पीने की सलाह दी है। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि तोरानी आखिर है क्या जिसे सरकार इतना तवज्जो दे रही है। तोरानी की दो चीजें चावल और पानी से तैयार किया जाता है। इस पेय पदार्थ का ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ में खूब इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फर्मेंटेड पेय है जो चिलचिलाती गर्मी के दौरान शरीर को ठंडा करता है। इसे भगवान जगन्नाथ को भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, तोरानी क्या है ये तो आपने जान ही लिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि तोरानी को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको पके हुए चावल को रात भर पानी में भिगोना होगा। सुबह चावल को पानी से छान लें या फिर चावल को पानी में अच्छे से मैश कर लें। इसके बाद इसमें दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें अदरक, करी पत्ता, हरी मिर्च, नमक और भुना जीरा पाउडर डाल दीजिए। फिर इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पानी डालें। बस ये करें और हो गया आपका तोरानी तैयार। साथियों, तोरानी बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तोरानी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान। पेय हल्का और पानी वाला रखें ताकि आपका शरीर नेचुरल तरीके से हाइड्रेट रहे। दोपहर में 2-3 गिलास तोरानी ले सकते हैं। तोरानी में मसाले अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तोरानी में इस्तेमाल होने वाले तत्व शरीर के लिए बेहद सेहतमंद होते हैं। दोस्तों, तोरानी के साथ ही अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो कुछ और टिप्स अपना सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए कुछ और टिप्स। जब तक बहुत जरूरी न हो धूप में निकलने से बचें। पसीने से बचने के लिए हल्के सूती और ढीले कपड़े पहनें। बाहर जाते समय अपने सिर को कपड़े और छाते से ढकें। साथियों, गर्मी चरम पर है, ऐसे में खुद को, अपने परिवार को सेफ रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।